नमस्कार, एमएसवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। हरियाणा की सियासत में आज का दिन एक बड़ा बदलाव लेकर आया। कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है, जिसने प्रदेश कांग्रेस में एक ऐसे युग की शुरुआत कर दी जो आपसे खींचतान और गुटबाजी से भरा हो सकता है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धुर विरोधी माने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस में एंट्री पूर्व सीएम को किसी भी सूरत में हजम नहीं होगी। हरियाणा कांग्रेस पहले ही गुटबाजी का अड्डा बनी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का भला कर पाएंगे या फिर पार्टी में आपसी खींचतान और ज्यादा बढ़ेगी। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से बातचीत। दस जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हरियाणा जनहित कांग्रेस के विलय का ऐलान किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन इस विलय के साथ ही आपसी गुटबाजी की आहट उस वक्त सुनाई देने लगी जब हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस विलय के गवाह नहीं बने। हालांकि बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो मौजूद थे, लेकिन क्या ये मजबूरी थी, आलाकमान का डंडा था, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो गया है। हजकां के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पर हजकां के कांग्रेस में विलय का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई चंद्रमोहन ने कहा, इस विलय का फायदा हरियाणा और राजस्थान दोनों में होगा और कांग्रेस के साथ पुराने सभी गिले शिकवे भुलाकर वो और उनके समर्थक कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। बहुत खुशी है मन से, और आप कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जोश आप देख ही रहे हो, और जो लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए नहीं भी हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे वो राजस्थान के हैं, बहुत जबरदस्त मुबारकबाद के फोन उसकून के अंदर भी है। नहीं, वो सब खटास खत्म हो चुके हैं, पुरानी बात छोड़ गया हूँ मैं, एक नई फ्रेश पारी हम शुरू करने जा रहे हैं सब चीजें बुलाकर। बहुत महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी बहुत मजबूती मिलेगी। लाखों की संख्या में हरियाणा में हमारे जनहित कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और वो सभी के सभी आज कांग्रेस में विलय कर गए। कोई गिला शिकवा नहीं है, अनकंडीशनल आए हैं। कुलदीप के मुताबिक उनके समर्थकों में उत्साह है और वो कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई ने घर वापसी नहीं सरेंडर किया है। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने इस बात की आशंका जाहिर की कि कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे एक साथ मिलकर कांग्रेस की बेहतरी के लिए रणनीति तैयार कर सकते हैं। जो फैसला आज लिया है, ये फैसला तो लोकसभा के नतीजों में साबित हो चुका था कि घर वापसी करेंगे, मगर घर वापसी जब होती जब मान सम्मान के साथ वापिस घर में जाया जाता। आज तो सरेंडर किया है, तो पूरी तौर पर जब राजनीतिक विफलताएं सामने आ गई, अपना फेलियर देखते हुए आज उन्होंने कांग्रेस के आगे आत्मसमर्पण किया है। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस भी शायद राजस्थान के चुनावों को देखते हुए उनको साथ ले रही, आने वाले समय में उनको भी किनारे लाने का। जो कुछ दुष्यंत चौटाला ने कहा उस बात में इसलिए भी दम दिखाई देता है क्योंकि जब कुलदीप और उनके समर्थक कांग्रेस में वापसी कर रहे थे उस वक्त हुड्डा खेमे का कोई नेता साथ मौजूद नहीं था। हालांकि बाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई साथ भी नजर आए, लेकिन इसे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूरी ही बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, कुलदीप बिश्नोई के आने से कांग्रेस में एंटी हुड्डा खेमा और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। सवाल इस बात पर भी खड़े हो रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति के साथ साथ कांग्रेस में भी हाशिए पर जा रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कुलदीप बिश्नोई की घर वापसी बड़ी मुसीबत तो साबित नहीं होगी। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने के बाद कांग्रेस के अंदर कभी खुशी कभी गम जैसी स्थिति बन गई है। पार्टी के कुछ नेता जहां कुलदीप बिश्नोई के आने से खुश हैं, वहीं पार्टी के कुछ नेता कुलदीप बिश्नोई के आने से नाराज भी हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, एमएचएन न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि कुलदीप बिश्नोई अगर पार्टी में आ गए हैं तो पार्टी मजबूत हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर कमजोर कौन होगा? राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी लगातार चल रही है। चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरजभान कटारिया जी, बीजेपी के नेता हैं। सूरजभान जी, आपका बहुत बहुत
स्वागत है MH1 न्यूज में। इसके अलावा हमारे साथ रविंद्र सिंह ढुल जुड़ेंगे, आप इनेलो के नेता हैं, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हम दोनों खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। सूरज भान जी और रविंद्र सिंह ढुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले हम सूरज भान जी के पास चलते हैं। सूरज भान जी, ये पूरा मेल आपने देखा, हरियाणा जनहित कांग्रेस जो एक वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करते हुए बनाई गई थी, 9 साल तक अलग रहे, क्रियाकलाप इस तरह का दिखाई पड़े कि कांग्रेस लगातार निशाने पर रही, आज फिर मिल गए हैं। और कांग्रेस के नेताओं का दावा है और हजकर के नेताओं का भी दावा है कि इस मेल के बाद जो कांग्रेस है वो मजबूत हो जाएगी। आपको लगता है कि कांग्रेस पे कितनी मजबूती आएगी? देखिए, मैं बता दूं, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था वह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब भजन लाल जी और कुलदीप बिश्नोई जी ने निर्णय लिया था। 9 साल तक उन्होंने जो है हरियाणा प्रदेश में अपने क्षेत्रीय दल को जो है चलाया, असेंबली के इलेक्शन भी उन्होंने 2 बार हरियाणा में लड़े, लोकसभा भी लड़े, और आज कुल मिलाकर जब हरियाणा प्रदेश में इंडिपेंडेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत से हम आए हैं और कांग्रेस बिल्कुल जो है सिमट कर रह गई है, विपक्ष के दर्जे के 10 विधायक भी उनके पास गिन चुन के नहीं रहे। आज की स्थिति में हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का भले ही कांग्रेस में विलय हो गया हो, जिस प्रकार पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है, हरियाणा में वो हो चुका है और अब आगे आगे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस का सफाया ही होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज था और कुलदीप बिश्नोई जी और श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी ने उस डूबते हुए जहाज में सवारी की है, क्योंकि उनका जन्म ही कांग्रेस से हुआ था और मुझे लगता है कि अंतिम समय भी जो है जिस प्रकार कांग्रेस अपने अंतिम समय में जा रही है, हजका भी अपने अंतिम समय में चली गई है। बिल्कुल, ये कहना है बीजेपी नेता का कि कहीं ना कहीं अंतिम वक्त है दोनों का और दोनों मिल गए हैं, लेकिन क्या डूबते को तिनके का सहारा मिला है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। चलते हैं रविंद्र सिंह ढुल साहब के पास। रविंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपके जो नेता दुष्यंत चौटाला हैं, सांसद आपके हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये आत्मसमर्पण किया है, ये घर वापसी नहीं है, आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से मैं माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी से सहमत हूं इस मामले में कि यह आत्मसमर्पण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे ही इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, माननीय दुष्यंत चौटाला जी वहां से MP बने थे हिसार से, उसी समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई जी वापस कांग्रेस में जाएंगे, और वह हमारे कयास बिल्कुल सही साबित हुए, क्योंकि उनका निजी जनाधार हिसार से बाहर कहीं था ही नहीं और हरियाणा जनहित कांग्रेस का कहीं भी किसी भी जगह पर हरियाणा में जो 4% जनाधार है वो भी हम देखें तो मुख्यतः जो है कंसंट्रेट हिसार जिले के आसपास में ही है, इसके अलावा इनका कोई जनाधार भी नहीं है। दुष्यंत सिंह चौटाला जी से मिली हुई हार के बाद में इनका ये सरेंडर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जहां तक बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण आप देखिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब राजनीति शुरू की थी वो चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ राजनीति प्रारंभ की थी, उन्होंने भजनलाल जी को बीट किया राजनीति में, खुद मुख्यमंत्री बने, और कुलदीप बिश्नोई जी की राजनीति का आधार भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफत ही रही है, इसके अलावा कोई भी इनकी राजनीति का आधार नहीं रहा। तो इस परिस्थिति में मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इनके आपस में कभी मन नहीं मिल सकते, या तो कांग्रेस इस बात को डिसाइड कर चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हाशिए पर हैं और उनका भविष्य में कांग्रेस में हरियाणा में कोई रोल नहीं होगा। अगर ये चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कोई रोल हो तो मुझे नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई जी इसके अंदर किसी भी हालत में अपने आप को सेटल कर पाएंगे। तो बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों का यहां साफ साफ कहना है कि कांग्रेस के अंदर अगर कुलदीप बिश्नोई का कद बढ़ता है तो जो कमजोर होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन कांग्रेस खुद क्या सोचती है, आखिरकार क्या सोचकर कुलदीप बिश्नोई को लाया गया है, और जो लोग उस वक्त दिखाई पड़े थे कुलदीप बिश्नोई के साथ जिन्होंने घर वापसी करवाई है वो कहीं ना कहीं हुड्डा के विरोधी नजर आते हैं, अब तक का जो भी राजनीतिक समीकरण दिखाई पड़ा है कांग्रेस के अंदर। बस छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे, उनसे हम सवाल करेंगे कि कुलदीप बिश्नोई की घर वापसी का मतलब क्या है, किस तरह से कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर कांग्रेस पे कुलदीप बिश्नोई मजबूत होंगे तो इसका खामियाजा कांग्रेस के अंदर किस नेता को भुगतना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक।